सो गाइस, फेज 5 की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंटमैन क्वांटमेनिया हमारे सामने है। कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद मैं अब बताना चाहूंगा शॉर्ट में कि एंटमैन 3 इतनी ज्यादा खास भी नहीं है, और हर मार्वल मूवी एक जैसी होने लगेगी तो मजा थोड़ी आएगा। हाँ, पर इतनी खास नहीं है, पर थॉर 11 थंडर से लाख गुना बेटर है। उसके आगे तो मैं इसी को बेटर बोलूंगा। और क्योंकि ये मूवी बाकी दो एंटमैन मूवी जैसी नहीं है, वो कॉमेडी मूवीज थी सुपर हीरो मूवीज की पैकिंग में, पर ये मूवी अपने दोनों पार्ट से ज्यादा डार्क फील होती है। हाँ, इतनी खास नहीं है, बट इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है कि थॉर लव एंड थंडर जैसी दिखे। और हमेशा यार कमियां गिनाने थोड़ी बैठे रहेंगे, और मार्वल के फेज 5 की न्यू शुरुआत है तो फिर अच्छा है। बात करते हैं इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट, यानी कैंग द कॉन्करर। भाई इस बंदे ने भाई स्क्रीन पे आग लगा दी है, इसने प्रूव कर दिया मार्वल्स न्यू डैडी इन द हाउस। बाकी इसके बाद हाईलाइट होने वाला परफॉर्मेंस है जेनेट का, एंड होप एंड हैंक भी अपना स्टोरी के हिसाब से अपना काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। बात करें स्कॉट की, तो भाई कैंग के बाद मुझे इसी बंदे का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा लगा है। स्कॉट के फेस पर जो अपनी बेटी के लिए इमोशंस दिखते हैं, केयर दिखती है, वो इस मूवी के एक्शंस को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर चली जाती है। लगभग पूरी मूवी क्वांटम रियलम में है, एंड विजुअली मूवी बहुत मस्त है। कमाल है ना, मतलब थॉर की कहानी शुरू हुई थी डार्क स्टोरीज से और फनी हो गई, और स्कॉट भाई की स्टोरी शुरू हुई थी फनी मूवीज से और ये डार्क हो गई। स्ट्रेंज। ना ना डॉक्टर साहब, आपकी बात नहीं कर रहे। और पता नहीं भाई मार्वल को क्या हो गया, कौन सा माल फूंक रखा है इन्होंने कि अपने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं। इस मूवी में मोडॉक के साथ वही मजाक हुआ है जो हमारे टास्क मास्टर के साथ ब्लैक विडो मूवी में हुआ था। पर्सनल चीज बताऊं तो मैंने इस मूवी में सबसे ज्यादा लुइस के फनी फ्लैशबैक को मिस किया, और मैं चाहता हूँ कि मार्वल की किसी भी मूवी में लुइस अपना अपीयरेंस दे, एक ऐसा फ्लैशबैक जरूर हो। हाँ, हर मूवी में ना हो, पर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। खैर, क्रिटिक्स ने जैसा इस मूवी को बताया था कि ये बेस्ट मूवी ऑफ मार्वल है, तो ये बात बिल्कुल झूठ है, मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगा। रोटेन टोमेटो का स्कोर देख लो, एंड IMDB ने भी इस मूवी को सिर्फ 6.6 की रेटिंग दी है। इतनी बुरी नहीं है, एज एन एंटमैन मूवी ये मूवी बहुत अच्छी है, एंड कॉज ऑफ क्वांटम रियलम ये मूवी सिर्फ IMAX स्क्रीन पर देखने वाली है। ऑल ओवर ये मूवी मार्वल के एक नए खलनायक को बड़े अच्छे से एस्टेब्लिश करती है। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट, इस मूवी का मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन सबसे ज्यादा बवाल पीस तो वही है। फटाफट इस मूवी को देखो ताकि हम इस मूवी के स्पॉयलर्स पर बात कर सकें, और अगर देख लिए तो बताओ कमेंट्स में कि तुम्हें मूवी कैसे लगी। एंड न्यू बिग डैडी हमारे कैंग द कॉन्करर का वेलकम तुमने कैसे किया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो बाय।